हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सतनाम टेक में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आईपीएल का 23वां मैच है यानी मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच में, इसकी बात करेंगे जो वानखेड़े के स्टेडियम में खेला जाना है दोस्तों। तो वानखेड़े स्टेडियम की पहले बात कर लेते हैं, हमें पिच रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जानते हो अब तक यहाँ पे 3 मैच खेले गए हैं, मुंबई इंडियंस ने अपने होम ग्राउंड पे 3 मैच खेले हैं और 3 मैच का एवरेज स्कोर देखा जाए तो दोस्तों 170 ये एवरेज स्कोर आ रहा है और विकेट्स देखे जाए तो मेरे ख्याल से 13 विकेट्स पूरे मैच ओवर में मैच में गिर जाते हैं। जैसे कि यानी कि 6 विकेट फर्स्ट टीम के, 7 विकेट दूसरे, यानी ऑन एन एवरेज 13 से 14 विकेट गिर जाते हैं, यानी कि आपको देखने को मिलेगा यानी 5 से 6 विकेट दोनों टीम के गिर जाते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। चलो दोस्तों प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। उसके पहले जो दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्लेइंग 11 और कुछ टीम की न्यूज़ की अपडेट आपको ज़रूर मिल पाए। तो चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। दोस्तों आज की प्लेइंग 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको बात करते हैं प्लेइंग 11 स्टार्ट करने से पहले, जैसे एवान लेविस और सूर्य कुमार यादव ओपनिंग करेंगे। पिछले मैच में एवान लेविस 0 पे आउट हो गए थे और रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गए थे, और उसके पहले वाले मैच में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन 0-0 पे आउट हो गए थे। तो प्रेडिक्ट करवाना काफ़ी मुश्किल होता है कौन खेलेगा कौन नहीं। ईशान किशन और रोहित शर्मा थर्ड फोर्थ पे आएंगे, साथ कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या और किरण पोलार्ड, मिचेल मैकलेनन, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंड और मुस्तफिजुर्रहमान। यहाँ पे देखा जाए मुंबई इंडियंस तो सेम प्लेइंग 11 से जा सकती है, अगर कोई चेंज करना चाहे बॉलिंग में क्योंकि बॉलिंग की थोड़ी कमज़ोर है। डेथ ओवर में आके मैच हार जाते थे, आप जानते हो हर एक बार लास्ट ओवर में आके मुंबई मैच हार चुकी है, अब से 2 से 3 मैच ऐसे हार चुकी है। मुंबई इंडियंस चाहे कोई अच्छा बॉलर इंक्लूड करना तो चाहेगी, फिर एडम मिल्स एक ऑप्शन बचते हैं इनके पास अच्छे बॉलर के रूप में। तो जैसे आप जानते हो एडम मिल्स एक फॉरेन बॉलर हैं, उन्हें फॉरेन प्लेयर से रिप्लेस किया जा सकता है, या तो मिचेल मैकलेनन या फिर मुस्तफिजुर्रहमान। मुस्तफिजुर्रहमान काफ़ी अच्छे फॉर्म में, तो मुस्तफिजुर्रहमान नहीं रिप्लेस होंगे। फिर मिचेल मैकलेनन भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये रिप्लेस हो सकते हैं या फिर किरण पोलार्ड जब तक परफॉर्म नहीं किया है। दोस्तों ये न्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, हम ही दे रहे हैं, क्योंकि या फिर मिचेल मैकलेनन या फिर किरण पोलार्ड दोनों में से एक की जब एडम मिलने को चांस मिल सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, कल मैच में चांसेस मिलने के चांसेस थोड़े हाई हैं। अब यहाँ पे सेफ प्लेयर की बात कर लें दोस्तों, एवान लेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रोहित शर्मा, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मुस्तफिजुर्रहमान, मयंक मारकंडा, ये सेफ प्लेयर होंगे। आपको मयंक मारकंडा को अपनी टीम में लेने की सलाह नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग के मैच में दोस्तों ये नए प्लेयर थे, इन्हें किसी ने रीड नहीं किया था इसलिए इन्हें विकेट मिल रहे थे। बाप लास्ट के मैच में देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा एक विकेट ले पाते हैं, कोई मैच में विकेट भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इन्हें सब ने रीड कर लिया किस तरह से बॉलिंग करते हैं, इसलिए भी अभी इन्हें विकेट मिल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। आप इसे टीम में मत लीजिए मयंक मारकंडा को दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे टीम की यानी सनराइज़र हैदराबाद की। तो इसकी प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, आज काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। आप देख सकते हो मैंने कितने प्लेयर्स यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं स्लैश मार के, यानी कि देखिए फर्स्ट मैच की बात की तो रिकी बोई और केन विलियमसन ने ओपन किया था, रिकी बोई 0 पे आउट हो गए। अगर फिर से एक चांस देना चाहेगी अगर शिखर धवन फिट नहीं होते हैं तो रिकी भी ओपन कर सकते हैं, पर अगर इनका ओपनिंग स्टैंड देखा जाए तो ओपनिंग स्टैंड ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए और इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि नीचे इनकी स्ट्रेंथ नहीं है और ओपनिंग प्लेयर इनके परफॉर्म नहीं करते हैं, नीचे के सब प्लेयर बिखर जाते हैं, इसलिए ओपनिंग स्टैंड इनके लिए अगर अच्छा करना चाहेगी तो एलेक्स हेल को ज़रूर ला सकते हैं अगर शिखर धवन फिट नहीं होते हैं। पर मेरे ख्याल से 60-70% चांस है कि आज शिखर धवन फिट हो जाएंगे। शिखर धवन ने भी ट्विटर पर खुद लिख के कहा है कि अपने फैंस को कहा है कि थैंक यू सपोर्ट करने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि मैं मुंबई के खिलाफ अपना मैच खेल पाऊँगा, या शिखर धवन ने खुद ट्वीट करके कहा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि शिखर धवन आज का मैच ज़रूर खेलेंगे। और सेकंड की बात की जाए नेक्स्ट ओपनिंग प्लेयर यहाँ पे क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं आप भुवनेश्वर कुमार मुंबई ही नहीं आया है, ट्रैवल करके मुंबई नहीं आया क्योंकि उनकी बैक में इंजरी हो गई है। तो अब उनकी जहाँ पे एक स्पेस और क्रिएट हो गया जिसे फिल कर सकते हैं यहाँ पे श्रेवत गोस्वामी या फिर तन्मय अग्रवाल के मैं कहूँगा 60% चांस है, 40% चांस है अभी श्रेवत गोस्वामी के। तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ सकते हैं केन विलियमसन, मनीष पांडे, शाकिब अल हसन, यूसुफ पठान, रिद्धिमान शाह, दीपक हुड्डा, राशिद खान, बेल स्टैनलिक और सिद्धार्थ कौल। और दोस्तों जैसे आप जानते हो और शिखर धवन फिट नहीं होते हैं तो एलेक्स से लाएंगे, एलेक्स एक फॉरेन प्लेयर हैं, तो एक टीम में 4 ही फॉरेन प्लेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे केन विलियम्स तो बाहर नहीं जाएंगे, राशिद खान भी बाहर नहीं जाएंगे, तो अभी 2 ही ऑप्शन बचते हैं, साकिब अल हसन या फिर बेन स्टैनलिक।
मेरे ख्याल से शाकिब अल हसन को जा सकते हैं, बाहर बेन स्टैनले को नहीं भेजेंगे क्योंकि पहले ही भुवनेश्वर कुमार नहीं है तो पेस अटैक इनका काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, तो यहाँ पर शाकिब अल हसन के बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अलग सेल खेलते हैं तो शाकिब अल हसन यहाँ पर रिस्की हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेफ प्लेयर की। यहाँ पर सेफ प्लेयर होंगे केन विलियमसन, मनीष पांडे, यूसी पठान की। दोस्तों आपको एक न्यूज़ बता दूँ दोस्तों, यूसी पठान को पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग में थोड़े क्रैम्प्स आ गए थे, आप देख सकते हो। अभी केन विलियमसन ने खुद इंटरव्यू दिया है कि यूसी पठान कुछ क्रैम्प्स आए थे पिछले मैचेस में, उन्होंने उम्मीद की है कि शायद वो 100% फिट हो जाएंगे। तो यूसी पठान भी आपके लिए कुछ परसेंट तक रिस्की हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा केन विलियमसन, मनीष पांडे और यहाँ पे रिद्धिमान शाह को अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, पर प्लेयर यहाँ पे काफ़ी इंजर्ड हो गए, तो रिद्धिमान शाह भी आपके लिए सेफ प्लेयर होंगे। यहाँ पे दीपक हुड्डा, राशिद खान और सिद्धार्थ कोहली, तो काफ़ी सोच समझ के प्लेयर ले गए यहाँ पे। अगर सिद्धार्थ शिखर धवन खेलते हैं तो सब हो जाएगा ठीक है, और शिखर धवन नहीं खेलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की, तो इसका दोस्तों इस मैच का हम आपको अपडेटेड वीडियो और एक डालने की कोशिश करेंगे जिससे आप अच्छी टीम बना पाओ। अभी फिलहाल हम जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं, अगर और कोई अपडेट आती है तो एक वीडियो बना के आपको ज़रूर डाल देंगे। दोस्तों हमने जो टीम बना रखी है दोस्तों उसका आप एक बार प्रीव्यू दिखा देते हैं। तो अभी विकेट कीपर में ईशान किशन, रिद्धिमान शाह और श्रेयवत गोस्वामी के भी चांसेस बन रहे हैं। अब देख रहे हो इन्हें 1% लोगों ने सेलेक्ट किया है या 0.6, बहुत कम लोगों ने सेलेक्ट किया है, इनके चांसेस बन रहे हैं। अच्छे बैट्समैन, ओपनिंग शायद इनसे कराई जा सकती है अगर शिखर धवन फिट नहीं होते हैं तो। यहाँ पर ईशान किशन के साथ गया हूँ क्योंकि थोड़ा रिस्की है, ईशान किशन ज़रूर खेलें तो ईशान किशन सेफ ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं गया हूँ दोस्तों केन विलियमसन, मनीष पांडे, एलेक्स हेल और सूर्य कुमार यादव। अगर आप एलेक्स हेल के थोड़ा रिसी हो सकते हैं तो आप जा सकते हो। यहाँ पे दीपक हुड्डा के साथ यूसी पठान में थोड़े रिस्की होंगे, यहाँ पे तो आपके लिए बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। आप रोहित शर्मा, एवन लेविस के साथ जा सकते हो। रोहित शर्मा मैं प्रेफर नहीं करूँगा, अच्छे फॉर्म में नहीं, तो यहाँ पे एवन लेविस अच्छे ऑप्शन होंगे। शिखर धवन की अगर कोई न्यूज़ आती है तो आपको अपडेट वीडियो डाल देंगे, आप तभी टीम में लीजिएगा, नहीं वरना आप सेफ टीम से खेलिएगा, सेफ टीम काफ़ी अच्छी होगी आपके लिए। हमें बात की जाए तो ऑलराउंडर्स की, यहाँ पर शाकिब अल हसन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या। शाकिब अल हसन थोड़े रिस्की हैं, अगर अपडेट वीडियो आती है तो आपको डाल देंगे, तो तब हम टीम चेंज कर लेंगे दोस्तों। और बॉलर्स में देखें तो जसप्रीत बुमराह, सिद्धार्थ कौल, भुवनेश्वर कुमार नहीं खेलेंगे, राशिद खान ज़रूर खेलेंगे, आप जा सकते हो राशिद खान के साथ। यहाँ पे मैं गया हूँ मुफ्तीजुर रहमान के साथ, मिचेल मैगनिन थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, एडम मिल को भी मौका मिल सकता है, बेल स्टैनलिक ज़रूर खेलेंगे, मयंक मारकंडा भी पॉइंट्स नहीं ले रहे हैं तो आप इस टीम में मत लीजिएगा मेरे ख्याल से। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं कहूँगा कोई भी हो सकता है ग्रैंड लीग टीम के लिए। जैसे आपने कल देखा दोस्तों क्रिस गेल नहीं खेले, जेसन रॉय नहीं खेले, और जो कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन थे तो श्रेयस अय्यर और करुण नायर। और जो दोस्तों ग्रैंड लीग टीम एक दोस्त ने विन की उसके कैप्टन वाइस कैप्टन थे लैम पुलकित और शायद अवेश खान। आप सोच सकते हैं बॉलर से सामने वाले ग्रैंड लीग टीम विन कर लिए, जहाँ पर अच्छे ऑप्शन होंगे स्मॉल लीग के लिए बता रहा हूँ, केन विलियमसन, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, मनीष पांडे, ये हो सकते हैं आपके लिए अच्छे ऑप्शन। क्योंकि बैटिंग ट्रैक अच्छे रन बनेंगे, आप बैट्समैन भी कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो स्मॉल लीग में। और ग्रैंड लीग टीम की बात करते हो दोस्तों अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, यहाँ पे हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, चारों पांचों बैट्समैन तो ज़रूर होंगे दोस्तों, तो ये हो सकते हैं। आप बॉलिंग में मैं नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप बॉलिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, मैं विकेट नहीं जा जाते हैं। आप पिछले मैच में देख सकते हैं 8 से 9 विकेट, 8 से 17 से 18 विकेट दोनों मैच दोनों की बैटिंग में गिर गए थे, पर यहाँ पे दोस्तों 12 से 13 विकेट गिरते हैं तो आपको बॉलर्स ग्रैंड लीग टीम तो विन नहीं करवा सकते हैं, तो आप ज़्यादा से बैट्समैन और राउंडर के साथ जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसकी अपडेट आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों।